प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रश्नावली चार जो कि रेखीय समीकरण और असमीकरण हैं वो शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आपको थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ कि समीकरण है, समीकरण की प्रकृति के कुल तीन नियम हैं जो कि आपके यहाँ शो हो रहे हैं। पहला नियम ये है कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो समीकरण से अद्वितीय संगत हल प्राप्त होंगे, और जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसकी जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। रूल नंबर टू या नियम दो, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, मतलब ये तीनों वैल्यू बराबर हो तो समीकरण से आपको अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होंगे, संगत हल प्राप्त होंगे और जो ग्राफ बनाओगे तो रेखा संज्ञा भी प्राप्त होगी। रूल नंबर तीन कहता है कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2 हो तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यानी इस कंडीशन में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए उत्तर जो होंगे वो असंगत होंगे और ग्राफ बनाओगे तो रेखा समांतर प्राप्त होगी। अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमें केवल ये पता करना कि जो संगत है समीकरण या असंगत है। पहले क्वेश्चन आपके सामने ये शो हो रहा है 2x-3y = 8, तो इस 8 को आप पहले इधर ले आवें, इसको इस प्रकार लिखें 2x-3y - 8 = 0। ऐसे इस 9 को भी आप इधर पक्षांतरण करके ले आवें 4x-6y - 9 = 0। अब आप देखें कि अक्ष का गुणांक 2 है, मतलब ये a1 का मान, ये अक्ष का गुणांक 4 मतलब a2, तो आप लिखो a1/a2 2/4। वाई का गुणांक कितना है -3, इस वाई का गुणांक कितना है -6, मतलब अक्ष का गुणांक है 2 और 4, ये लिख दिया मैंने, वाई का गुणांक है -3 -6, ये भी लिख दिया। पहले आप इन दोनों को ही चेक करेंगे, अगर दोनों कटते हैं आपस में तो काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये -- कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ध्यान से देखिए आपके यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2, ये दोनों बराबर हों, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम तीसरे वैल्यू जो c1 c2 है इसको भी उतारेंगे। हम बराबर लगाया, -8 - 9 लिखें, -से - कट गया, क्या आया 8/9, अब नहीं कट रहा देखो, तो ये दोनों तो बराबर है पर ये मान बराबर नहीं इसके, इसलिए इसको आप ऐसे काट देवें, यहाँ भी काट देवें। अब देखिए कि हमारे जो तीन नियम है उसमें कौन सा नियम काम कर रहा है, तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, अर्थात रूल नंबर 3 काम कर रहा है। देखो आप इसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन बन रही है, तो रूल नंबर 3 का उत्तर क्या है, असंगत लिखा हुआ देखो आप, क्योंकि अगर ये c1/c2 इसके बराबर नहीं है तो जो हल प्राप्त होंगे वो असंगत होंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, चूँकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2 है, अतः समीकरण युग्म से, समीकरण युग्म से असंगत हल प्राप्त होंगे, असंगत हल प्राप्त होंगे। बस अपन को इतना ही पता करना कि प्रश्न साफ देगा बताओ संगत है या असंगत, तो हमने पता कर लिया असंगत, तो हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं इस पहले क्वेश्चन को बढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड, 3x-y = 2। अब इस 2 को मैं राइट इधर ला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये -2 = 0। 6x-2y - 4 = 0। अक्ष का गुणांक 3, अक्ष का गुणांक 6, वाई का गुणांक -1, इस वाई का गुणांक है -2। काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -- कट गया, ये अब नहीं कटता है, देखो 1/2 = 1/2। अब इस तीसरी वैल्यू को भी उतार लो c1 c2 को, -2 - 4, -- कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
ध्यान से देखिए आप, तीनों वैल्यू बराबर है, अर्थात रूल नंबर टू काम कर रहा। देखो आप ये, तो अगर a1 a2 b1 b2 बराबर c1/c2 है, अतः समीकरण युग्म से हमें संगत हल प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें इन दोनों कंडीशन में हमें उत्तर जो होगा वो संगत प्राप्त होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2x - 2y, इस 2 को आप इधर लाओगे तो -k2 = 0। ऐसे ही ये 4x - 4y - k5 = 0। अक्ष का गुणांक 2, इस अक्ष का गुणांक 4, इस y का गुणांक -2, इस y का गुणांक है -4। चिन्ह सहित लिखना, इस बात का ध्यान दें। काटो, 2 * 2 = 2, 2 * 4 ये कट गया, 2 * 2 = 2, 2 * 4। अब ध्यान दें, 1/2 = 1/2 = ये दोनों बराबर, तीसरा उतार लो, -2 - 5, माइनस माइनस कट, अब ये नहीं कटता है तो ऐसे उतार लो। वहाँ देखो ये दोनों बराबर, पर ये बराबर नहीं है इसके, यहाँ कट जाएगा, तो ये यहाँ भी काटना पड़ेगा। अब नियम काम कर रहा, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अगर ये कंडीशन है, मतलब रूल नंबर 3 काम कर रहा है, तो असंगत हल प्राप्त होंगे, असंगत हल प्राप्त होंगे, ये आपका आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आप 8 को इधर ले आओ, 4/3x + 2y - k8 = 0। अक्ष, 2x + 3y - k12 = 0। अक्ष का गुणांक है 4/3 और इस अक्ष का गुणांक है 2, y का गुणांक है 2, इस y गुणांक है 3। पहले दो ही चेक करते हैं, ध्यान, तीसरा मान अभी नहीं उतारना है। अब देखो बटे में बटे हुआ है, तो ये पलटेगा, पलटेगा तो क्या जाएगा, ये तो ऐसे ही गुणा लगाओ और इसको पलट दो, फिर बराबर 2/3। कट रहा तो काट लो, 2 * 2 = 3, 2/3, दोनों बराबर है, तीसरा मान उतारना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो तीसरा मान उतारो, यहाँ c1 c2, -8 - k = 12, माइनस माइनस कट, 4 * 2 = 8, 4 * 3 = 12, यानी 2/3। तो आप देखो तीनों मान बराबर है, अगर तीनों मान बराबर हैं तो रूल नंबर 2 काम कर रहा है, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, समीकरण युग्म से संगत हल प्राप्त होंगे, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो पहले में 4 क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल करो और हल की प्रकृति बताओ। मतलब आपको इसी 4 क्वेश्चनों को ग्राफ से हल करना है और फिर आपको इसकी प्रकृति बतानी, मतलब ये रूल का उपयोग करना है। तो सबसे पहले आप इसकी प्रकृति बता देते हैं आपको पहले, और फिर ग्राफ में शुरू कर देते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है x + y = 3। तो इस 3 को मैं इधर ला रहा हूँ, -k3 = 0, और इसी के नीचे लिखते हैं 3x - k2y, 4 लाएंगे तो -k4 = 0। अब देखो अक्ष का एक कोई संख्या नहीं बता, एक तो अपने आप में ही है, तो अक्ष का गुणांक कितना है 1, इस अक्ष का गुणांक 3, तो 1/3, ये आपका a1 a2 हो गया। वाई का कुछ नहीं बता, 1 है, तो इस वाई का आगे -2 है, तो ये y का गुणांक -2, इस y का गुणांक 1, तो ये आपका b1 b2 हो गया। अब आप देखो क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो ये बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 ≠ b1/b2। शुरू में हमेशा इन दो को ही चेक करके देखते हैं, अगर दोनों बराबर नहीं है तो आप देखो रूल नंबर 1 काम कर रहा है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 हो, अद्वितीय संगत हल प्राप्त होंगे। तो
अतः समीकरण लिखने से समीकरण युग्म से अद्वितीय व संगत हल प्राप्त होंगे। और जब ग्राफ बनाएंगे हम इसका तो रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगे। अब मैं आपको इसे ग्राफ बता रहा हूं, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस एक एक समीकरण को उतारेंगे हम। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर थ्री। अब ध्यान दीजिए कि x और y के हमें कम से कम तीन मान निकालने हैं, एक दो और तीन। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, पर कम से कम तीन मान निकालना आवश्यक है। अब आप देखिए x और y में से आप चाहो तो किसी एक को इधर भेज दो, पक्षांतर कर दो, वाई को इधर भेज रहा हूँ, तो स्टेप क्या बन गई, थ्री माइनस वाई। अब हम वाई का मान भरेंगे तो आप इसका मान अपने आप आएगा, कैसे, वाई बराबर एक मान रखने पर एक्स बराबर तीन माइनस वाई की जगह एक, तीन में से एक निकालो कितना आएगा दो, तो एक्स का मान तो आया दो और वाई का मान कितना है एक। जब y का मान एक भरा तो अब इसका मान दो है, वापस इस स्टेप की जगह मुझे वाले स्टेप उतार दे, फाइनल स्टेप ये से उसको वापस उतार दो, इस बार y का मान दो भरो, y बराबर दो मान रखने पर तो x बराबर तीन माइनस दो, तीन हो जाएगा एक, अब इसका मान आया एक, तो y का मान भरा दो, वापस इसे उतार दे x बराबर तीन माइनस वाई, वाई बराबर तीन, अब जहाँ वाई के बाद तीन पढ़ दो, तीन माइनस तीन अर्थात जीरो। तो जब y का मान तीन बड़ा तो अब समान आया जीरो। ये एक समीकरण सोल्व हो गया आपका, ये इतना सा। इसी प्रकार हम इसे भी सोल्व करेंगे, तीन एक्स माइनस दो वाई बराबर चार, मैं ये मिटा देता थोड़ा सा। तीन एक्स माइनस दो वाई बराबर चार। अब एक्स वाई के हमें कम से कम तीन मान निकालने हैं, एक्स और वाई के, एक दो तीन। अब इन दोनों में हम चाहें तो किसी एक को मैं पहचान कर लें, तो मैं माइनस दो वाई उधर भेज रहा हूँ, तो इसलिए बनेगी तीन एक्स बराबर चार प्लस दो वाई, माइनस का दो वाई जाएगा प्लस का जाएगा। अब एक्स गुणा हो रहे हैं तीन से, तीन आपको हम आ जाएंगे, चार प्लस दो वाई अपॉन तीन। अब वाई का मान आप यहाँ भरेंगे और सोल्व करेंगे तो अक्स का मान आएगा, तो हम शुरुआत करते हैं वाई का मान एक से, वाई बराबर एक मान रखने पर, तो जहाँ वाई है वहाँ एक मान भर दो, इस प्रकार नीचे एक सोल्व करो, चार प्लस दो एकम दो, नीचे कितना आ रहा है तीन, चार और दो छः, छः बटा तीन बराबर तीन दूनी छः, तो अक्स का मान कितना आ गया दो, ये अक्स का मान आ गया दो, वाई का मान क्या बना एक। तो ऐसे हमें तीन मान निकाल रहे, एक निकल गया दो और निकाल रहे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब ध्यान इसी समीकरण की ये लास्ट स्टेप है, तो मैं इसको उतारूंगा, यानी इसको हमने ऐसे किया फिर ये किया, तो ये इसका ये मेन समीकरण आपका भी ये है, इसको मैं यहाँ उतार रहा हूँ समझाने के लिए। अब वाई का मान मान लीजिए मैं दो भरता हूँ यहाँ, जब वाई का मान मैं दो करूँगा दो दो गुणा हो गया चार, चार और चार आठ, आठ में तीन का पूरा पूरा भाग भी जाएगा, इसलिए हम वाई का मान दो नहीं भर सकते। मान लीजिए वाई के मान में तीन भरता हूँ यहाँ, तो तीन इंटू दो छः, छः और चार दस, दस में भी तीन का भाग नहीं जाएगा, तो वाई का मान तीन नहीं भरेंगे हम, पूरा भाग ध्यान से होगा। और वाई का मान मान लीजिए चार भरता हूँ, तो चार प्लस दो वाई की जगह चार, नीचे तीन, चार दूनी आठ,
आठ प्लस चार हो गया बारह, बारह तो नहीं है, तीन में बारह, तो तीन चौ बारह, यानी एक्स का मान भी चार आया, जब वाई का मान हमने चार करा। फिर हम लास्ट वापस स्टेप को उतार लेंगे और एक मान को निकालना में हमें करेंगे। अब हम मान लीजिए हम वाई का मान पाँच भरते हैं, पाँच दस, दस में चार चौदह, चौदह में तीन बाद नहीं जाएगा, छः रखता हूँ तो छः दूनी बारह और चार सोलह में भी तीन के बाद पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब वाई का मान सात भरते हैं तो सात दूनी चौदह, चौदह और चार अठारह, अठारह में तीन का पूरा भाग जाएगा, तो वाई बराबर सात रखने पर चार प्लस दो इंटू सात बटे हुए तीन, तो सात दूनी चौदह, चौदह और चार अठारह, अठारह में दो तीन का भाग, तीन छन अठारह, तो अब इसका मान तो है छः, वाई का मान सात। तो ये काम हम पहले कॉपी में करेंगे, फिर ग्राफ पेपर पर ये जो समीकरण के हमें एक्स वाई के दो मान प्राप्त हुए इनको शो करना होगा। तो ये कॉपी में आप करेंगे, फिर हम ग्राफ बना रहे हैं इसका। तो ये दोनों सारणियां मैं इसको भी यहां उतार देता हूं, दो एक चार चार छह सात। अब इसको ग्राफ में शो करना है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले ग्राफ ऐसे लेना और कुछ बेसिक चीज समझाता हूँ ग्राफ के बारे में। जैसे ये ग्राफ पेपर है तो आपके जो ग्राफ पेपर में से ये लाइन खींचोगे आप तो ये कहलाएगी एक्स एक्स, और ये जो लाइन होगी ये कहलाएगी वाई एक्स, तो ये एक्स एक्स ये वाई वाई डैश। अब ये एक्स है यहाँ डैश लगा दो तो ये एक्स डैश बन जाएगा। ये दोनों लाइनें जहाँ कटती हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, तो ये मूल बिंदु है जिसके दिशा हम जीरो जीरो मिलाते हैं। अब एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर, एक सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट लगा लो, एक सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा लो, तो एक सेंटीमीटर की एक एक सेंटीमीटर का, एक एक सेंटीमीटर में लगा दिए। अब मान लीजिए मैं अभी माना ये रखता हूँ तो एक दो तीन चार, इधर प्लस के इधर माइनस के मान, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, ऊपर प्लस के एक दो तीन, नीचे माइनस के। अब मान लीजिए कि मुझे दो और तीन को इस ग्राफ में शो करना है, तो ये जो आगे वाला मान है ये तो एक्स का मान मिलाएगा, जो पीछे वाला मान है वो वाई का मिलाएगा, तो एक्स का मान दो है और वाई का मान तीन। तो पहले आप एक्स लाइन के ऊपर यानी इस एक्स अक्ष के ऊपर दो चलिए, तो इस पूरी लाइन पर एक्स का मान दो ये रहा, यानी इस पूरी लाइन में दो कहाँ है, दो इधर भी है इधर भी, इधर माइनस के इधर प्लस के, मुझे प्लस के दो मान चाहिए इसलिए दो। अब फिर यहाँ से वाई का मान तीन है, एक दो तीन, प्लस तीन तो ऊपर चलना है और माइनस तीन होते हैं यहाँ, तो हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं, तो प्लस एक प्लस दो प्लस एक, तो ये जो बिंदु कहलाएगा वो दो और तीन कहलाएगा। मान लीजिए कि मुझे पढ़ना है माइनस एक और माइनस के दो, ये बिंदु शो करना है, तो आगे वाला मान एक्स का है तो एक्स पर आप पहले माइनस एक चलो, इस पूरी लाइन पर माइनस एक कहाँ है, ये माइनस एक। फिर माइनस दो चलना है, अगर प्लस दो तो ऊपर चलो और माइनस दो तो यहाँ से नीचे चलो, तो ये माइनस दो ये, तो ये बिंदु जो है ये आपका माइनस एक माइनस दो चलाएगा। मान लीजिए मुझे बढ़ना है माइनस तीन प्लस एक, आगे वाला मान एक्स का पीछे वाला मान रहेगा, तो एक्स पर पहले माइनस तीन चलो, इस पूरी लाइन में माइनस तीन बिंदु, ये माइनस तीन ये है। अब यहाँ से प्लस का एक चलो, प्लस एक चलना तो ऊपर जाओ, ये बिंदु। मान लीजिए मुझे बढ़ना है एक माइनस एक, तो एक्स पर पहले एक चलो, इस पूरी लाइन पर एक कहाँ है ये रहा, तो माइनस एक लेना। इस प्रकार हम बिंदु पढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे जीरो और दो बढ़ना है, तो आगे वाला मान तो एक्स है, पीछे वाला मान वाई है, तो एक्स पर पहले आप जीरो चलो, इस पूरी लाइन पर जीरो ढूंढो तो ये जीरो, अब वाई पर दो है तो प्लस के दो है तो ऊपर आ जाओ, ये बिंदु जीरो दो ही रहेगा। मान लो कि मुझे बढ़ना जीरो माइनस तीन, एक्स पर जीरो वाई पर माइनस तीन, इस पूरी लाइन पर जीरो कहाँ है ये रहा, माइनस तीन मतलब यहाँ ये जीरो माइनस तीन। मान लीजिए कि मुझे बढ़ना है दो जीरो, इस बिंदु को शो करना है, तो पहले आप एक्स पर दो चलो,
इस पूरी लाइन एक्स वाई जेड में दो देवगाएं ये क्या एक्स पर दो आ गए वाई पर जीरो मतलब न तो ऊपर जाना है न नीचे जाना है यही का ये दो जीरो पे रहेगा। मान लीजिए मुझे पढ़ना है चार और जीरो तो पहला का एक्स पर चार जीरो इस पूरी लाइन पर चार कहाँ है यहाँ वाई पर जीरो मतलब यहाँ का है। मान लीजिए मुझे पढ़ना है माइनस तीन और जीरो तो एक्स पर पहले माइनस तीन चलो इस पूरी लाइन पर माइनस तीन कहाँ है ये यहाँ वाई पर जीरो मतलब यहाँ का है। इस प्रकार आप बिंदुओं को ग्राफ में पढ़ते हैं जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर। ये पैमाना एक का हो सकता है दस का हो सकता है सौ का हो सकता है हजार हो सकता है दो हो सकता है पांच हो सकता है ये अपनी स्वेच्छा से अपन पढ़ सकते हैं। अपने मान कितने बड़े हैं उसके आधार पर पैमाना लेना चाहिए। मान लो पैमाना दस का है तो क्या आएगा दस फिर बीस तीस चालीस हो जाएगा माइनस दस माइनस बीस माइनस तीस प्रकार। मान लीजिए मुझे पैमाना पाँच लेना है तो ये आएगा पाँच या दस या पंद्रह या बीस इधर आएगा माइनस पाँच माइनस दस इस प्रकार ऊपर पाँच दस पंद्रह नीचे पाँच दस पंद्रह ऐसे। तो पैमाने के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लेना है। अब जैसे हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन था इसको हमें ग्राफ में शो करना है तो सबसे पहले तो आप इनको सोल्व करेंगे और ये सारणी प्राप्त करेंगे जो अपने आप समझा दी है। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ ग्राफ पेपर पर बिल्कुल बीच में आप एक लाइन खींच दें और इधर बीच में एक लाइन खींच दें फिर ग्राफ पेपर से आप चार लोगों को बांटते हैं एक तरह से। इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं पहला है द्वितीय तृतीय और चतुर्थ इनको हम चतुर्थांश कहते हैं। इस आठ लाइन को आप सबसे कहते हैं इसको वाई एक्स कहते हैं तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्स डैश ये वाई और ये वाई डैश। ग्राफ में इस एक एक सेंटीमीटर पे एक बॉक्स या एक चुरा आपको वर्क बना होता है एक एक सेंटीमीटर पर मैं यहाँ बिंदु लगा रहा हूँ एक एक सेंटीमीटर अंदर सी एक से भी है फिर एक से भी है या आपके तो ग्राफ देखोगे तो वहाँ बने हुए हैं क्योंकि मैं प्लेन पेपर बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको थोड़ा अंदाज से नाम लेकर रहा हूँ ये एक से भी है ये एक से भी एक एक सेंटीमीटर के बॉक्स है इस प्रकार ए दो तीन चार ये माइनस का एक माइनस के दो माइनस के तीन माइनस चार प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार और ये जो बिंदु है ये मूल बिंदु है इस इंसान जीरो जीरो पे लगते हैं। अब ध्यान दें अब पहला समीकरण जो आपका एक्स प्लस वाई बराबर तीन इसका आपने ये सोल्यूशन निकाल रखा है इसको बनाएंगे एक्स पर दो वाई पर एक पहले एक्स पर चलना इस बात में ध्यान दें तो एक्स पर दो वाई पर एक चले आप एक्स पर दो यानी पहले इस लाइन पर आप दो ढूंढे इस एक्स पर लाइन पर दो का है ये है फिर प्लस का एक है इसके ऊपर आ जाए तो ये बिंदु कहलाएगा दो और एक। अब एक और दो इसको बढ़ना है अक्ष पर एक ढूंढो पहले आप अक्ष लाइन पर एक कहाँ ये रहा फिर वाई पर दो मतलब ये रहा इस एक की भी बिल्कुल सीध में चले आप ये एक और फिर आप देखो जीरो तीन बनना है अक्ष पर पहले आप जीरो छोड़ो इस पूरी लाइन पर जीरो कहाँ है ये रहा प्लस तीन यहाँ छोड़ो अब आप ध्यान देखो ये तीनों बिंदु एक ही सीध में आ गए अगर एक ही सीध में आ गए मतलब ग्राफ एकदम राइट है। अगर ये बिंदु दो ऐसे तिरछा रहेगा या लाइन इस तरह बन जाती है कोण वाली तो उसको मतलब कि आप गलती कर रहे हैं लाइन बिल्कुल एक सीध में सारे बिंदु एक सीध बनने चाहिए तीनों बिंदु इस बात का विषय याद रखना। तो ये आपके ग्राफ की लाइन इसको मैं यहाँ बना देता हूँ ये गलती आप कहूँ तो प्लस ये लाइन आपके लिए समीकरण है और ये एक्स वाई बराबर तीन तो मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाकर लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई बराबर तीन स्टैंड पर मिल रहा है इधर कहीं पर मिल सकते हैं। अब मैं इसको करूँगा दो और एक या एक्स पर दो वाई पर एक ये तो बराबर ही है सुबह चल रही है चार और चार एक्स पर चार हो पहले स्टैंड पर चार का नहीं है फिर प्लस चार चलो ये प्लस चार आ गया छः और सात अब छः का है तक नजर नहीं आ रहा तो स्टैंड पर आप तो बढ़ेंगे तो ये पाँच और ये आपका छः सात इस प्रकार इधर भी मैं इस लाइन को उड़ा देता हूँ ग्राफ पेपर में आपको जैसे बाईस खाने होंगे ऐसा तो आराम से आप बन पाएंगे।
पाँच छः ये मान लीजिए सात। अब देखिए अक्ष पर छः वाई पर सात, तो अक्ष पर छः का यहाँ तो वाई पर सात का आना देखो आपके लगभग इस जगह आ रहा है ये। अब ये एक बिंदु दो बिंदु और तीन बिंदु इन तीनों को आप मिला रहे हैं तो ये आपका ग्राफ कहलाएगा। इस लाइन को भी आप ऐसे बना सकते हैं इस अब क्या करना है जैसे ये दोनों लाइनें जहाँ कटेगी समझ जाइए कि ये जो है यानी ये जैसे मैं दो से मिलाऊंगा तो अक्स की वैल्यू जो है वो दो हो जाएगी और जैसे मैं इसको मिलाऊंगा वाई का मान एक हो जाएगा। तो अक्स का मान तो हो गया दो, वाई का मान हो गया एक, ये आपके आंसर कहलाएंगे। आप चाहें तो इस लाइन के ऊपर सेकेंड समीकरण जो था आपका वो भी लिख सकते हो आप, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तीन अक्स माइनस दो वाई बराबर चार। ये ग्राफ बनने के बाद हमें इसका पैमाना लिखना होगा, इसे स्केल भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये आपका एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ठीक है। तो हम पैमाना एक ही रहते दोनों का मिलाकर कि एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई, बस। क्योंकि हमने यहाँ एक दो तीन लिखा तो एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। अगर हम यहाँ पाँच दस पंद्रह लिखते हैं तो पाँच इकाई, अगर हम यहाँ दस बीस तीस लिखेंगे तो यहाँ दस इकाई आ जाएगा। तो ये हमें पूरा ग्राफ इस तरह बनाना होगा। धन्यवाद।